नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण पेड़ और पौधों की जो सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक नंबर का प्रश्न आपको हर हाल में देखने को मिलेगा। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर आपने आपने देखा पादप जगत के अंतर्गत देखे कितने प्रकार के पौधे होते हैं। इसमें शाख, झाड़ी, वृक्ष की बात की, लताओं की बात की, एक पौधे के बहुत सारे भागों की बात की, पत्तियों की, तने की, फूल की, किस तरह से निषेचन होगा, स्त्री केसर, पुंग केसर क्या होते हैं, फल, बीजांड, ये सब की बात की आपने। आशा करता हूँ सब आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पेड़ पौधों की, जिसमें सबसे पहला शामिल है निपेंथिस। आपकी स्क्रीन पे इसका फोटो होगा। निपेंथिस या घटपर्णी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पौधे जो ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो, और ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है कि बारिश जब ज़्यादा होती है तो मिट्टी में जो खनिज तत्व होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो पानी के साथ मिट्टी में काफ़ी अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाने पर क्या होता है, पेड़ पौधों को उस मात्रा में वो खनिज नहीं मिल पाते और ख़ासकर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ऐसे पेड़ पौधे जिनमें नाइट्रोजन की कमी हो तो वे कीटभक्षी हो जाते हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तो होता है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन तो तैयार होता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है क्योंकि नाइट्रोजन में भूमि से प्राप्त होगा, और नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से ये कीड़ों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। इसीलिए इन्हें कीटभक्षी पौधे कहा जाता है, जिसमें कई सारे पेड़ पौधे आपने सुने होंगे, जैसे आपका निपेंथिस तथा घटपर्णी, वीनस फ्लाइट्रेस, फ्लाइट्रैप, ड्रोसेरा, कई सारे हैं, लेकिन सीटेट में इससे ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी बात करेंगे। तो देखिएगा, निपेंथिस या घटपर्णी ये कीटभक्षी पौधा है। ये किसे, मेंढक को खा जाएगा, छोटे छोटे मेंढक, चूहे इत्यादि को खा जाता है, कीड़ों को खा जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण तो होता है, यानी कि कीटभक्षी पौधे में फोटोसिंथेसिस तो होता है, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन कमी होती है इसलिए कीड़ों को खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कीड़ों को खाने का उद्देश्य केवल भोजन की प्राप्ति है, भोजन तो इनका बन रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, लेकिन नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है पर नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इनकी पत्तियाँ कैसी हो जाती हैं, घड़े के आकार की हो जाती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये खास प्रकार की खुशबू निकालती है, इनकी जो घड़े जैसी पत्तियां होती हैं उनसे खास प्रकार की खुशबू निकलती है। कीड़े उस ओर आकर्षित होते हैं, और जब ये कीड़े उस घड़ी जैसी पत्तियों के अंदर चले जाते हैं, घड़े के आकार की पत्तियों के अंदर चले जाते हैं, तब वो पत्तियों का मुंह बंद हो जाता है और अंदर कीड़े की मृत्यु हो जाती है, और उसके मृत शरीर से ये पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी जीव के शरीर में प्रोटीन होता है और प्रोटीन नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए उनके शरीर से इन पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो जाती है। यह पौधे भारत में मेघालय में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा बारिश आप जानते हैं मेघालय में होती है, ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में भी ये पाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि निपेंथिस भारत के किस राज्य में या दुनिया भर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगला आपका एक पौधे का नाम रेगिस्तानी ओक। ओक का वृक्ष होता है, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे इसका पिक है। ऑस्ट्रेलिया में जो आपके ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया के कुछ, यहाँ पे ये पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर होती है, लगभग 12-15 फीट का ये होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। याद रखिएगा, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसकी जड़ें अत्यधिक गहरी होती हैं। पत्तियों की संख्या थोड़ी सी कम होती है, और जो जड़ें होती हैं इस वृक्ष की वो ऊंचाई के लगभग 30 गुने तक, मान के चलिएगा कि अगर पौधे की इस रेगिस्तानी ओक की लंबाई 4 मीटर है तो इसकी जड़ें 120 मीटर तक गहरी हो जाती हैं, काफ़ी गहरी हो जाती हैं, और इसके तने में पानी जमा हो जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, इसके तने में पानी जमा हो जाता है, और वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, स्थानीय निवासी होते हैं, वे तने के अंदर पाइप डालकर पानी प्राप्त करते हैं। चूँकि रेगिस्तान में होता है तो पानी कमी होती है, तो इसके तने में पानी होता है, तो वहाँ के लोग इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। अगला पौधा है खेजड़ी। ये भारत के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, खासकर रेगिस्तान में पाया जाता है। आपने अमृता देव विश्नोई का नाम सुना होगा। मैं जब आपको पर्यावरण संरक्षण पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो खेजड़ी का पौधा भारतीय रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, खास बात है, इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों में सब्जी बनती है, इसकी जो छाल होती है, इसके तने का जो ऊपरी हिस्सा जो छाल होती है, वो दवा के रूप में प्रयोग होती है, और इसे बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि रेगिस्तान में होने की वजह से कम पानी में ही ये उत्पन्न होता है और अपनी प्रगति करता है। अगली बात करें पीपल की।
पीपल बोधि वृक्ष कहा जाता है, गौतम बुद्ध ने इसके नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। सबसे खास बात है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसकी पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं, याद रखिएगा। जितने मैं आपको यहाँ फैक्ट करा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न जब आएगा सीटेट में तो आपसे पूछेगा कि खेजड़ी के वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कई सारे कथन दे रखे होंगे, इस तरह से आपको प्रश्न वहाँ मिलेगा हर हाल में। अगले पौधे की बात करें तो बरगद, बरगद याद रखिएगा, मैंने आपको स्तंभ जड़ें कराई थी कि इस तरह से आप देख रहे हैं चित्र में देख रहे हैं, बरगद एक बरगद आपके सामने फैला हुआ है और उसका छत्र बहुत बड़ा होता है। बरगद का छत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, यानी कि तने के बाहर चारों तरफ काफ़ी दूर दूर तक फैला होता है और इसके छत्र को सहारा देने के लिए कौन सी जड़ें निकली होती हैं? स्तंभ जड़ें निकली होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तना है, ये इसका छत्र है और यहाँ से कई सारी स्तंभ जड़ें निकली होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्तंभ जड़ों के अलावा जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं, ऐसा नहीं है केवल स्तंभ जड़ें हैं, जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नीम का पौधा, एक पतझड़ वृक्ष है। पतझड़ वृक्ष का मतलब है कि जब थोड़ा सा मौसम खुश्क होना शुरू हो जाता है मार्च के बाद, इसकी पत्तियां गिर जाती हैं क्योंकि जमीन में पानी की कमी हो जाती है। इसकी जड़ें मूसला होती हैं। इसके फल को निम्बोली या निबोरी कहा जाता है, नीम के फल को निम्बोरी या निमोली कहा जाता है, जो गाँव के लोग हैं वो अच्छे जानते हैं इसको। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही उपयोगी वृक्ष है। आप देखते हैं गांव में नीम के पत्ते को लोग पानी में उबलकर नहाते हैं, या पुराने ज़माने में किसी को कोई संक्रामक रोग हो जाया करता था तो उसके आसपास नीम की पत्तियां रखते थे, क्योंकि नीम एक तरह से आपका जैविक कीटनाशक होता है। ये आयुर्वेद के अनुसार उपयोगी वृक्ष है। इसके उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। अगर आप इसका फल खाते हैं, निम्बोली खाते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा इसको जैविक कीटनाशक उत्पादक कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है किस पौधे को या किस पेड़ को जैविक कीटनाशक कहा जाता है, तो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नीम का पौधा। अगला पौधा तुलसी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसी को जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। यह एक शाख है, मैंने बताया था शाक झाड़ी वृक्ष, तीन प्रकार के पौधे आपको बताए थे। भारतीय संस्कृत में पूजनीय है, हर घर में पाई जाती है, सनातन धर्म के लोगों के घर में पाई जाती है, रोजाना इस पर जल चढ़ाने की परंपरा है। औषधि गुणों के कारण इसको जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं। कैंसर, दंत रोग, श्वास संबंधी रोग, सर्दी जुकाम इत्यादि में अत्यंत फायदेमंद होती है। तो आपने देखा कई सारे विशेष पेड़ पौधे, यहाँ से आपको एक नंबर का प्रश्न हर हाल में मिलेगा। थैंक यू।